हेलो दोस्तों, आज मैं एक एम्पलीफायर का रिव्यू करूंगा जो मैंने आज ही मार्केट से परचेज़ किया है, जो 3600 वॉट्स का है और भारत सिस्टम है, जो एम्पलीफायर बूस्टर जिसे हम कहते हैं, कम वो उसके अंदर कम से कम हम तीन से चार कॉलम चला सकते हैं। तो उसकी हम फुल रिव्यू बताएंगे कि उसकी कनेक्शन कैसे करेंगे ताकि हमारे एम्पलीफायर में कोई शॉर्ट सर्किट ना हो और एक सिग्नल से हम दोनों जो उसकी दो चैनल में है बटा हुआ, तो एक ही सिग्नल से हम दो चैनल किस तरह चलाएंगे और इसकी आवाज़ कंट्रोल कैसे कहाँ करेंगे ताकि आगे चल के हमें इस एम्पलीफायर चलाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और ना हमें इसकी कोई शॉर्ट सर्किट देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं उस एम्पलीफायर की ओर और फिर हम दिखाते हैं कि इस एम्पलीफायर को हम कैसे ऑपरेट करेंगे। दोस्तों, इसके कंट्रोल करने का सिस्टम पहले ये है कि इसके अंदर दो चैनल हैं, ये एक चैनल इधर एक चैनल हो गया और ये अलग चैनल हो गया। इसको ऑपरेट हम किस तरह करेंगे, जब इसके ऊपर हम लोड डाल देंगे किसी मिक्सर के द्वारा या डायरेक्ट लोड इसके ऊपर डालेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी जो लो वाली है, लो वाली कंट्रोल को फुल कर देंगे। इससे तेज़ अगर आपको आवाज़ चाहिए, अगर इससे तेज़ करने से आपकी आवाज़ अगर पूरी नहीं हो पा रही है, तो फिर हम सेकेंड की मिडिल वाली कंट्रोल को फुल करेंगे। इससे भी अगर आपको तेज़ चाहिए, उसके बाद हम हाई कंट्रोल को फुल करेंगे। उसके बाद इस तीनों कंट्रोल को ऑपरेट एक ही तरह से ऑपरेट करने के लिए हम इससे डायरेक्ट इसको तीनों कंट्रोल को एक ही से हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं मास्टर कंट्रोल। ये तीन कंट्रोल फुल होने के बाद इस कंट्रोल से हम इन तीनों कंट्रोल को एक ही इस कंट्रोल से हम कवर कर सकते हैं। उसी तरह हमारा ये है, जब इसके में हाई जो लो वाली पोजीशन है, जब इसको हाई कर देंगे, फिर आएगी हमारी लो मिडिल पोजीशन, फिर मिडिल पोजीशन को हाई करने के बाद उसके बाद हम फिर हमारा आएगा ये हाई पोजीशन। इसको फुल करने के बाद फिर हम इन तीनों कंट्रोल को इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जितनी तेज़ आपको आवाज़ रखनी है। इन तीनों कंट्रोल फुल करने के बाद डायरेक्ट हम इस मास्टर कंट्रोल से इन तीनों कंट्रोल का काम ले सकते हैं। अगर किसी भी कारण आपका ये कंट्रोल ख़राब हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो इस कंट्रोल को आप फुल कर लें और इस कंट्रोल से आप काम चला सकते हैं, आपका काम चल जाएगा। अगर नहीं चलता है तो बाद में आप इसको चेंज करा सकते हैं, लेकिन इन तीन कंट्रोल ख़राब होने के बाद इस कंट्रोल से आपका काम चल सकता है। ऐसा नहीं है कि तीन कंट्रोल ख़राब हो जाएगा तो आप इसे चला नहीं सकते, आप चला सकते हैं। इस मास्टर कंट्रोल के द्वारा आपका ये सिस्टम ऑपरेट हो जाएगा। अब आती है कि सिग्नल की बात, कि हम अगर इसके अंदर दो सिस्टम है, यानी दो भाग में ये मशीन बटी हुई है, तो इसको हम किस तरह चलाएंगे, इसके अंदर दो सिग्नल देंगे या एक सिग्नल देंगे। तो पहली बात, अगर हम इसके अंदर दो सिग्नल देंगे तो हम इसको स्टूडियो पर रखेंगे, तो ये दो हमारा जो दोनों सिस्टम है, दो सिग्नल के थ्रू, एक सिग्नल लेफ्ट का, एक सिग्नल राइट का, दोनों सिग्नल अलग अलग देंगे तो हम स्टूडियो के द्वारा चलाएंगे, यानी कि दोनों मशीन अलग अलग चलेगी। अगर मुझे एक सिग्नल से चलाना होगा तो हम इस स्विच को मोनो पर रख देंगे, यानी दोनों मशीन इक्वल हो जाएगी, एक ही इनपुट से हम दोनों मशीन को चला सकते हैं। अब लोड देने की बात आई तो हम लोड कहाँ से देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी इनपुट आउटपुट देंगे, कहाँ से हम इनपुट देंगे और कहाँ से इसकी आउटपुट लेंगे। मैंने आपको फ्रंट साइड से बता दिया कि किस तरह हमें कंट्रोल को ऑपरेट करना है और किस तरह हम इसकी वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इसकी पीछे की पोजीशन समझ लेते हैं। दोस्तों, ये दोनों जो है हमारा इनपुट है, कि अगर हम इसमें और इसमें दोनों में इनपुट देते हैं तो हम इसको स्टूडियो के द्वारा चलाएंगे, कि दोनों में दो इनपुट देने के बाद इसको स्टूडियो चलाएंगे तो एक मशीन अलग बजेगी, एक मशीन अलग बजेगी। इसके अंदर दो मशीन है, दो भागों में बटी हुई है, तो इसलिए दो इनपुट दी गई है। तो दो इनपुट अगर हम इसके अंदर डालेंगे लेफ्ट राइट, तो हम इसको स्टूडियो के थ्रू चलाएंगे। लेकिन अगर हमें चाहिए कि हमें एक ही इनपुट से दोनों सिस्टम को चला लूँ, तो हमें इसको आगे से फ्रंट से, जिसे मैंने आपको बताया, इसको मोनो में करना पड़ेगा। मोनो में करने के बाद आपको इन दोनों चैनल में से किसी एक चैनल में आप देके इन दोनों मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। ये हुआ हमारा जैक पोजीशन और ये हमारा चाइनीज जैक होता है, तो इससे भी हम इनपुट दे सकते हैं और इससे भी इनपुट दे सकते हैं। और आउटपुट का सिस्टम है जो ये जैक वाली आउटपुट है, यहाँ से भी हम इसकी आउटपुट ले सकते हैं और इससे भी आउटपुट लेते हैं। ABC मतलब है एक चैनल 1 और चैनल 2, ठीक है दोस्तों। लेकिन होता क्या है
कि अगर जैक वॉल्यूम होता है कि अगर हम इसकी इससे अगर हम बजाते हैं तो कई मशीन ओवरहीट हो जाता है। जैसे हमारा ये कूलिंग फ़ैन लगी हुई है, तो क्या होता है कि अगर हमारा कूलिंग फ़ैन की बजा दी मशीन होने के बाद कूलिंग फ़ैन की जो इसकी जो एयर होती है एयर पास कर नहीं पाता है, जिसके कारण हमारा मशीन ओवरहीट हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्लास्टिक जो ये है हीट सिंक के द्वारा ये हीट होकर ये प्लास्टिक जल जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि हमारे जो ये आउटपुट की वायर है ये शॉर्ट हो जाती है, शॉर्ट होने के बाद हमारा मशीन जो ये शॉर्ट हो जाता है, बिल्कुल चलता नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों जब भी हमें चलाना हो तो हम इसके थ्रू चलाएं, ये वायर के थ्रू, क्योंकि इसमें शॉर्ट होने का बहुत ही कम चांस होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करते हैं हम लोग, एक गलती और भी कर देते हैं कि आदमी हम लोग सोचते हैं कि दो स्पीकर चलाना है तो एक ही पर लोड दे दिए। दोस्तों ऐसा नहीं करना है, अगर आपको दो स्पीकर चलाना है तो एक लोड एक चैनल पर दीजिए और दूसरा लोड एक चैनल पर दीजिए, ताकि आपकी मशीन की लाइफ बनी रहे और आपकी जो आवाज़ है वो आपको बिल्कुल सही तरीके से मिले और फटी हुई अगर लेकिन दूसरी बात यह है हमारा 3600 वाट का, तो हम इसके ऊपर लोड मैक्सिमम कितने वाट करते हैं, 3600 वाट है तो हम लोग क्या करते हैं 3600 वाट की जगह 4000 वाट दे देते हैं। तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि मशीन के अंदर ओवरलोड पड़ता है, ओवरलोड के कारण ये होता है कि हमारा कोई भी कंटेनर स्क्रैप हो जाता है या कहीं ना कहीं वो ओवरहीट होकर वो कंपोनेंट जल जाता है या वायर शॉर्ट हो जाती है। इसलिए दोस्तों हम इसके ऊपर लोड कितना देंगे, तो ये 3600 वाट है तो इसके ऊपर लोड हम कम से कम 3200 वाट तक का लोड दें, तो इससे ये होगा कि हमारे एम्पलीफायर का जो लाइफ है वो पूरी लाइफ देगा। लेकिन अगर हम इसकी लोड पूरी प्रॉपर लेते रहें तो इसकी लाइफ जो जिसे हम कंपनी हमें एक साल की वारंटी देती है तो एक साल चलते चलते इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसकी जो आपके इंसान को हम खाने की 1 किलो या 2 किलो खिलाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। तो इसलिए दोस्तों हमारे मशीन के अंदर होता है कि अगर ये 3600 वाट का है तो हम कोशिश करें कि इसके ऊपर 3200 का ही लोड दें, तो उसी तरह से हम अपने स्पीकर का डिज़ाइन कराएं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमें 4 कॉलम चलाना है तो उसके लिए 2 कॉलम का लोड एक पर दीजिए, 2 कॉलम का लोड एक पर दीजिए और चारों कॉलम में मिला के जितनी वाट होती है वो 3200 या 3400 वाट हो, ताकि हमारा 200-300 वाट जो बाकी रहे जो वॉइस वाइब्रेट होती है वो मेंटेनेंस उसको करता रहे, तो उससे क्या होगा हमारी मशीन की लाइफ बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है मशीन के अंदर तो आप हमें कमेंट करके बता सकती हैं, तो हम उसकी रिप्लाई ज़रूर बताएंगे। और दूसरी बात यह है दोस्तों, अगर ये मशीन की वारंटी 1 साल की है, ठीक है दोस्तों, तो ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको यूज़ करते रहते हैं कि यूज़ करने में क्या होता है, इसके अंदर 2 कूलिंग फ़ैन लगी होती है ये एयर पास करने के लिए, जो आगे से हवा खींचती है और पीछे को पास करती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो कंपोनेंट जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उसको ये हीट करने से रोकता है, मतलब जो हीट होता है उसको हीटिंग को बाहर निकलता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो मशीन के अंदर कटअप प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है। लेकिन कभी होता है कि हमारा कूलिंग फैन चलता रहता है लेकिन फिर भी कटअप मार देता है, तो उससे कारण ये होता है कि हम जब ये मशीन को यूज़ करते रहते हैं तो इस कूलिंग फैन के ऊपर डस्ट जम जाता है, तो उससे ये होता है कि जो हमारा जो एयर प्रेशर होता है वो एयर प्रेशर कम लेता है, जिसके कारण हमारा जो ये एयर जो है ना वो सिस्टम तक नहीं पहुँच पाता जहाँ हमें एयर चाहिए होता है, तो इसके कारण मशीन हीट होकर ये कटअप मार देता है। तो दोस्तों जब भी आपको ये प्रॉब्लम हो तो आप इस दोनों कूलिंग फ़ैन को चेंज कर दिए तो आपकी ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसकी रिप्लाई ज़रूर देंगे। और आप इस एम्पलीफायर को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीद सकते हैं, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उसका एड्रेस भी दे दूँगा, आप वहाँ जाकर विज़िट कर सकते हैं। और ये एम्पलीफायर बहुत ही अच्छा है, आप यूज़ कर देखें फिर बताएँ। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के आइकन में दबा लें, ताकि हमारे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले।